कल 17 अप्रैल को पूरे देश के साथ साथ कटिहार जिले में भी रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। रामनवमी के त्यौहार को लेकर चारों तरफ उत्साह का माहौल है। एक ओर जहां रामनवमी के त्यौहार पर एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर को भगवा झंडों से सजा दिया जाता है। शहर को भगवा झंडों से सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज केबीसी टीम ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि रामनवमी को लेकर कैसी तैयारियां की जा रही है। चारों तरफ भगवा झंडे लगे हुए थे, पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत नजर आ रहा था। चलिए आपको भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं रामनवमी को लेकर कटिहार पूरी तरह सज धज रहा है। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 17 अप्रैल है और कल रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज चैती नवरात्र के आठवें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, रामनवमी का त्यौहार जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है और आप आज भी देख सकते हैं कि पूरा शहर भगवा ध्वज से पूरी तरह पटा पड़ा है। शहीद चौक पर हम मौजूद हैं और जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और भगवा ध्वज से शहर को सजाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, शहर के मुख्य चौक शहीद चौक पर किस तरीके से भगवा ध्वज को सजाया गया है। नजारा आज जिले के प्रमुख क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा शहर रामनवमी के त्यौहार को लेकर पूरी तरह ओतप्रोत है और कल एक महारैली भी निकाली जाएगी हर वर्ष की भांति। और चलिए हम आपको शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से रामनवमी के त्यौहार को लेकर शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। जी हाँ, हम आप पहुँचे हैं आप शिव मंदिर चौक और आप यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं। पूरा का पूरा शिव मंदिर चौक ही केसरिया ध्वज से सजा हुआ है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ राम ध्वज दिखाई देंगे। रामनवमी को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और सभी जगह पर, चाहे वो घर हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, कोई दफ्तर हो या फिर मंदिर, हर जगह आपको ध्वज ही ध्वज दिखाई पड़ेंगे। चलिए हम आपको अगली चौक की ओर ले चलते हैं। पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। हर चौक चौराहे पर आपको एक अलग ही रंगत दिखाई देगी। कहते हैं ना, आज गली गली अंगना सजाएंगे। सब कुछ तस तस कर तैयार हो रहा है क्योंकि कल रामनवमी है और हम पहुंच चुके हैं दौलत राम चौक। आप यहां भी देख सकते हैं, पूरा चौक हर प्रतिष्ठान या हर घर पर आपको भगवा ध्वज दिखाई देगा। पूरी तरीके से रामनवमी को लेकर पूरा शहर उत्साह और हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अगली चौक की ओर। तो रामनवमी के त्यौहार को लेकर शहर के मंदिरों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है और अब हम आ पहुंचे हैं
पानी टंकी चौक। और चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ स्थित हनुमान मंदिर को कितनी भव्यता के साथ सजाया और सवारा गया है। यहाँ राम जी को भी विराजमान किया गया। तो चलिए हमारे साथ और देखिए इस मंदिर की कितनी भव्यता है। तो देखा आपने रामनवमी के त्यौहार को लेकर शहर को कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है। हर चौक चौराहे, हर प्रतिष्ठान, हर घर पर आपको भगवा ध्वज नजर आएंगे। मंदिरों को भी एक अलग ही स्वरूप प्रदान किया गया है। और आज हमने आपको कुछ चौक चौराहों का नज़ारा दिखाया है। शाम में फिर हम एक नए चौक चौराहे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से शहर को रामनवमी को लेकर सजाया जा रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।